उनको बस बुलाओ और हमारे इंश्योरेंस जो बोलो हम उनके जाते जब तक उनके बस एक बुला लीजिए 5 मिनट का इंश्योरेंस दे दो बोलिए हमारे ये कुत्तों को जो सजा देते हैं वो बच्चे को इंसाफ दे रहा अगले कुत्ते बने अरे बड़े भाई हाथ पीछे करो भाई थोड़ा पीछे आना भाई प्लीज थोड़ा पीछे मैं पुलिस वालों से बात करता हूँ बात करके आता हूँ अपने बुल्लों को अरेस्ट कराना है ना बुल्लों को सजा दिलाना है ना आप आराम से जाओ मैं यहाँ बैठता हूँ आप ना घर को जाओ मैं क्या है पुलिस वालों से बात करके कत्ल किया गया और उसमें जो मुलव्वस अफराद है वो अभी फरारी में है। तो आज जब यहाँ पे फैमिली वालों ने यहाँ पे रोड पे ठहर कर उनके एहतजाज किया तो हम भी उनके दरमियान में आए और यहाँ पे जब हमने एहतजाज किया तो यहाँ के जो एसीपी साहब है और डीसीपी साहब यहाँ पे जो है उन्होंने हमसे बात की और एमएलए साहब से भी बात की और हमें ये मुतमईनी दी कि जल्द से जल्द इन तमाम को अरेस्ट किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफसोस की बात यह है कि ये वही मुकाम पर मर्डर हुआ जहाँ पर करीबन 6-8 महीने पहले एक और एक मर्डर हुआ था और वहाँ पे एहतियात के तौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही जानिब से ख़ास सदर मजलिस की दिलचस्पी से वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने ज़ाती अखराजात से एक आउटपोस्ट बनाया था और कैमरेज वहाँ पे इंस्टॉल किए थे और उसके इंस्टॉलेशन से ये हुआ कि वो तमाम जो कल्प्रेट्स है उन्होंने उनका जो ये उन्होंने ये जो घिनौना मर्डर अंजाम दिया वो तमाम कैमरे में क़ैद हुआ और तमाम लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और पुलिस महकमे ने हमसे ये वादा लिया है कि आज शाम तक इंशाल्लाह पूरों को गिरफ्तार करेंगे और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके ज़रिए से यहाँ के लोगों को भी मुतमईन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे चंद लोगों से ये गुंडों से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं।
इंशाल्लाह ताला इनका मुकाबला हम खुद करेंगे। आज इन्होंने एक नौजवान को कल रात में कत्ल किया, पर इनको भी हम चैन से बैठने नहीं देंगे और आपके ज़रिए से उनको नहीं देंगे। और आपके ज़रिए से उनको भी पैगाम देता हूँ, जो हिजड़ों के तौर पर पाँच पाँच छः छः मिलकर एक मासूमों की जो जान लेते हैं और उनके घर के बच्चों को यतीम करते हैं और उनके घर की बेटियों घर बीवियों को बेवा करते हैं, इंशाल्लाह ताला हम तुम्हारे पीछे जाएंगे और इंशाल्लाह तुम्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाएंगे। और ये जो चार लोग जो आज के मर्डर में मुलविस है, इनकी तो हम मिसाल कायम करेंगे और इंशाल्लाह इनको कभी रिहा होने नहीं देंगे। ACP साहब ने खुद वादा किया है तमाम के साथ और हम उस वादे को ऑन कैमरा लिए हैं कि वो कहे हैं कि एक से डेढ़ महीने के अंदर इनकी बेल को भी अपोज करेंगे और चार्जशीट भी डालेंगे और इनको अंडर ट्रायल करेंगे। ये वादे पे पुलिस महकमे को उतरना पड़ेगा। अगर ये वादे पे वो नहीं उतरते हैं तो फिर अगला कोई वादा उनका लिया नहीं जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई हादसा होगा तो तमाम पूरे फसलांसर के पूरे रोड्स को जैम करते हुए हम एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह ताला। आइडेंटिफाई करते हुए वहाँ पे हमने खुद अपने जेब की लागत से 7 लाख रुपए की लागत से वहाँ पे हमने आउटपोस्ट बनाया, जिसका इफ्तिताह खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और वक्त के DCP साहब ने किया है। हम हर चीज कर रहे हैं, पर पुलिस महकमे को भी उस चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। पुलिस महकमे को भी चाहिए कि जो आवाम अपने तौर पे कर रही है उसका फ़ायदा उठाए। ऐसा ना हो जाए कि वारदात को रोकने के लिए जो काम हो रहे हैं वो वारदात के बाद उसका फ़ायदा उठाने की बात करना है बेफैज़ है। पुलिस महकमे को और एक्टिव होना चाहिए, खासकर ये जो कट्टे का इलाका है इसको सख्त करना चाहिए और वो तमाम मेडिकल हॉल्स को सील करना चाहिए जो ये नशे के गोलियां इन चर्चियों को दे रहे हैं, जो पी के ये अंजाम दे रहे हैं। उन तमाम मेडिकल हॉल्स को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इन गुंडा नासिर को नशे की आदत में डाल रहे हैं। सब आप जो केस में डालिए, देखिए पिछले पहले का जो वाकया हुआ था जिन्होंने भी कत्ल किया था, आज वो महल्ले में मौजूद नहीं है, उनका घरदार पूरा कुफल डाल के पड़े हुआ है। हम पुलिस महकमे के मजबूर नहीं है, हमें अपने हाथ में भी ताकत लेना आता है। तो अगर ये लोग समझते हैं कि कुछ चंद चाकू लेके चार पांच गुंडे अगर बस्ती में पैदा होंगे तो इन गुंडों को एड़ी के नीचे कुचलना भी हमें आता है। ये कितने भी बड़े गुंडे हो हमारी एड़ियों के नीचे ही है, इनको हम फलपने नहीं देंगे इंशाल्लाह।